भैया पीछे जाओ भैया, भैया हेलो भैया, अरे भैया पीछे हो जाओ, अरे हां भैया हेलो। नगर इलाके में कौन बचा रहा है सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा, कानपुर में जो दंगा हुआ था, जो हमारे संविधान में सिद्धांत के रूप में समाजवाद शब्द है, वो केवल इकलौती समाजवादी पार्टी में वो नाम आता है। जहां आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना हो रही है, वहीं आज हम कारगिल विजय दिवस के तमाम हमारे वीर शहीदों को भी याद करते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं और बहुत जल्दी खुलकर के जिम्मेदारी निभाएंगे। हम इसके लिए भी अपने लोगों को, आज जब संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं, तो अपने पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं। तो ये एक सड़क, एक जिले का भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, पुलिस को पकड़ रही है, प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता करिए क्या रहा, क्या ये बात नहीं निकली कि पुलिस क्या कर रही थी वसूली। और ये जो इनकाउंटर का जो डर दिखाते हैं, हमने और आपने कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय कर रही थी कि टांग पे गोली मारी जाएगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने वो भी देखा कि जब बंदूक नहीं चली तो पुलिस ने एनकाउंटर के लिए अपने मुंह से ही ठाए 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 कह दिया था, याद होगा आपको। क्या आपने हमने नहीं देखा सुना? और मुझे याद है नोएडा का पहला फेक इनकाउंटर हुआ था, एक इंस्पेक्टर जिम का जो लौट रहा था, पुलिस ने उस पे गोली चलाई थी, वो आज विकलांग है, वो चल नहीं सकता। अगर सरकार उसी समय न्याय दे देती जब हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं बनती। और ये एक घटना नहीं है करप्शन की, हमने आपने लाइव देखी है चीजें। और ये झांसी के हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहां पर, एक नौजवान कुछ पैसे को लेन देन था पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, वो रात में उसको पकड़ करके लेकर के उसकी हत्या की थी, इनकाउंटर किया था, उसका फर्जी FIR नहीं लिखी जा रही थी, कोर्ट ने FIR लिखी और अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था। उसकी परिवार के सदस्यों ने, खासकर उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दुख है इस बात का कि उस परिवार को ये सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। मैं कितनी कहानी बताऊं आपको, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए आप, सिविल हॉस्पिटल जाइए, PGI आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बताए 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको NMC ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेज? और जो मेडिकल कॉलेज है उनकी स्थिति क्या है?
कहीं इलाज नहीं मिला गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए।